मैं नदीम खान बिंदास, हरियाणा के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं नारनौंद थाना के अंदर, और नारनौंद थाना में आज लोग मौजूद हुए हैं जाट समाज से। आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं भी क्या कुछ मामला, क्या कुछ मुद्दा है। हाँ जी सर, कि ये क्या कुछ मुद्दा है जिसके कारण आप यहाँ पर चौकी में इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे कोई ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें अमरपाल जोशिया नाम का एक RPF अधिकारी अपने जूनियर कर्मचारी को जाति सूचक गालियाँ देते हुए रिश्वत की डिमांड करता है और उसको बहुत सी माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, जिससे हमारे पूरे जाट समाज में काफ़ी रोष है। उसी को देखते हुए कि जाट में ज़्यादा तनाव ना फैले, हम उस कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए थाना के अंदर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं कि उसके समाज हमारा थोड़ा ठंडा पड़े और उस दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई हो। जाति सूचक शब्द प्रयोग किया, गाली वगैरह भी दी है, इसके खिलाफ कुछ रेलवे पुलिस ने या कुछ रेलवे डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? देखिए, हमारे पास वीडियो ऑडियो आज ही आई है और आज ही तुरंत हमने इसमें देखते हुए भी समाज में ज़्यादा उत्साह ना हो तो हमने दरखास्त दी अभी। जी, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? मेरा तो ये कहना है जी, हमें 36 बिरादरी ने बराबर की माना है। जो इसे इसे लोग गंदी गंदी माँ बहन की गाली देवे, आज तो हमारा जवान आगे पेंट खोला है, तड़के हमारी माँ बहन आगे भी खोलेगा। पुलिस में हमारी जाट समाज की भी है, दूसरी कास्ट की भी है, सारी बहनें हैं, पुलिस में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रेलवे में भी हैं। यो मतलब थोड़ा है हमारे समाज को खराब करने लग रहा हो, उस पर कड़ी सख्त सख्त कार्रवाई और उसका मुद्दा गेट के जूत मारे, हमारा जिससे अंति होगी। हमें सारी 36 जात ने बराबर मानना है, तो इस पर तकड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जाट समाज का तो जमा खोसड़े काट के गल्ला पड़ रहा सबकी में, जाट बिना सरदा भी नहीं और जाट बिना इनकी कोई पंचायत भी हैंडल नहीं करता और जाट के पीछे पड़ रहे हैं। अगर वो मान ले जवान चला जाता उसके पास तो वो उसकी बेइज्जती करे रहो, फिर वो उसका ठोकर धड़ाधड़ गोली, फिर कह रहे दबंग जाति ने वो मार दिया। अगर सरकार इस मामले की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी तो क्या जाट समाज इसके खिलाफ कोई कड़ा रुख अपनाएगा? करेंगे जी, पूरा रोड जाम भी करेंगे, थाना का धरना लगाएंगे हमें जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो। क्या लगता है आपको इसके खिलाफ सरकार कितने दिनों तक एक्शन ले सकती है या पुलिस प्रशासन कब तक इसके खिलाफ एक्शन लेगा? तो यह कहूँ जी, जल्दी तो जल्दी लेगी सरकार, ओड़ा योगी सरकार है, योगी उसकी पेंट पाड़े देगा खोला खोला। आज राखीगढ़ी के अंदर CM साहब भी आ रहे हैं, अगर आपको उसे मिलने का मौका मिला तो क्या आप उसके पास जाएंगे? जी जी, हमारे समाज जाना चाहोगा तो जरूर जाएंगे। सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है इस मामले को लेकर? ये जो मुद्दा है ना, जो सोशल मीडिया वायरल हुआ है, ये मुद्दा ये है कि मतलब कोई भी हमारा लोकतंत्र भारत में, हमारे देश में जितने भी डिपार्टमेंट है सरकारी, उसमें कर्मचारी अधिकारी जो होते हैं उनमें जाति पाति की बात नहीं आनी चाहिए। और जब एक विशेष बड़ा अधिकारी अपने जूनियर कर्मचारी को जाति पे बोल के भद्दी गालियां देता है, ये तो बड़ी शर्म की बात है। और इससे एक आपस में भाईचारा हमारा बड़ा ख़राब होता है, इसलिए मैं उस अधिकारी को चेतावनी हम देने के लिए, उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं कि वो अपना ध्यान रखें, अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न करें। उसके अंदर कितने कर्मचारी होते हैं, सभी अलग अलग बिरादरी के होते हैं, क्या वो हर बिरादरी के व्यक्ति को गाली देके बोलेगा? उसकी घटिया सत्र की जो उसने भाषा प्रयोग किया है, उन्हें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहता था बस। सर, आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? सर, ये 10 दिन पहले के लगभग की बात है और अब तक UP के अंदर, दिल्ली के अंदर FIR दर्ज कराया, हरियाणा भी कल करनाल IG जो गंगाराम उसको दी थी, अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं, आश्वासन लगता भी है भाई कुछ न कुछ सरकार इस वक्त संज्ञान लेगी और यह आक्रोश ये ज्यादा हो रहा है। आपका इस मामले को लेकर? मैं अभी विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं नानून धर्मशाला में, अभय चौटाला। मैं यह विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास आवाज पहुँचाऊंगा और अभी रखूंगा ये मेरी डिमांड, भाई मारी महिला पर, मारे भाईचारे पर अत्याचार हो रहे हैं और ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे हम। आप अभय चौटाला को कहने के लिए जाएंगे? हाँ। वो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन आज से मैं खुद मुख्यमंत्री राखीगढ़ी आ रहे हैं, आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे? चलो, मेरा समाज का क्या, तो मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी चार हूँ, जब मेरा समाज का क्या नहीं, मैं CM के भी चार हूँ, अभी चलेंगे अभी का प्रोग्राम छोड़ के हम मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे दूँ। जब अपनी जात पे बात आ चुकी है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिला? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट मिला भी के और रखा भी के, भाई मारी बरादरी पास लेना चाहिए, हमने
ये मुद्दा मुख्य रूप से उठाया है। अगर किसी का मान होगा सैंडी करेंगे हम। जैसा कि आप सभी ने देखा है यहाँ पर जाति सूचक शब्द को लेकर कुछ लोग नारनौंद वाले इकट्ठा हुए थे और उन्होंने यहाँ पर नारनौंद में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और देखते हैं सरकार इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं नदीम खान, बिंदास हरियाणा।